अब इस बात का एहसास है कि तुम सारी जिंदगी शिवानी की हिफाजत कर सकते हो। जी मालिक साहब, वचन दो कि अपनी आखिरी सांस तक एक एक साए की तरह, एक एक परछाई की तरह उसके साथ रहोगे। उसे हर गम से, हर मुसीबत, हर तकलीफ से महफूज रखोगे तुम, उसका ख्याल रखोगे सदा। ये वचन दो। पता नहीं दादाजी इतनी देर से रघु से क्या बात कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है महिमा हमारे सबकी एक राय पे पानी फिरने वाला है। दादाजी का होश में आना हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। बोलो रघु, क्या तुम हमारी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? मलिक साहब, आप ज्यादा बात मत करिए, आप आराम करिए। मलिक साहब बोलो, तुम हमारी शिवानी का ख्याल रखोगे? बोलो। मालिक से ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये क्योंकि तुम्हारे सिवा हम तो किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में जो तुमसे बेहतर शिवानी का, हमारी शिवानी का ख्याल रख सके। वादा करो, वादा 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 करो रघु, रघु आपसे वादा करो रघु, रघु मैं वादा करता हूं मालिक साहब, मैं वादा करता हूं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं वचन देता हूं मालिक साहब, वचन देता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बेबी जी के साथ रहूंगा। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मालिक साहब, हमेशा उनका ख्याल रखूं। कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मालिक साहब, कभी कभी नहीं। बस अब हमें छोड़ के जाने की बात मत करिए मालिक साहब, मालिक आशीर्वाद तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के
एलेक्स, एलेक्स, एलेक्स। वचन तो कि अपनी आखिरी सांस तक एक साए की तरह, एक परछाई की तरह उसके साथ रहोगे तो ये वचन दो। वचन को कभी भी नहीं तोड़ूंगा, कभी भी नहीं। घनी कोशिश की बेया, पर माने नींद कोनी आ रही है, बेचैनी हो रही। ऐसे घर में बैठकर रात भर जागने से क्या फायदा मां? अच्छा होता आप हॉस्पिटल चले जाते, आपके मन को तसल्ली मिलती। माने तो यो समझ में कोनी आ रहा कि टेंशन लेने की जरूरत काहे है। अरे पीछे वाले लोग हैं वो, 50 लोग घूम रहे होंगे उनके आगे पीछे। तू राणा जी की चिंता कोनी कर, मामो ठीक हो जावेंगे। थानी हो काई गयो बेया? अरे जरा सोच के तो देख, काई बीतती होगी बेबी जी पर? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होवे। मारे भाई री जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी चिंता कोनी थाने? और बेबी जी के लिए जागरण कर रही है अठे बैठी तू। हेलो माँ जी, बहुत बैड हैपनिंग हो गया है। वो राणा जी काई हो माया? राणा जी ठीक तो है ना? माँ जी राणा जी गुजर गए। काई हो माँ? अरे बोलती काई नहीं, काई हो? हेलो, हाँ माया काई हो? बेला दीदी वो राणा जी नहीं रहे। बेबी जी की तो जान बसी थी राणा जी में, पता कोनी कैसे सह पावेगी इतनो बड़ो सदमा। Thank you.
यो कई हो गया रड़े जी, यो कई हो गया, यो अपने अच्छे नहीं गए रड़े जी, अपने अच्छे नहीं रड़े जी, यो अपने अच्छे नहीं गया। संभालिए आप चिंता को, चलिए हमारे को राणा जी से बात करनी है। चलिए दादू हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन हमने सॉरी भी तो कहा था ना। हमसे नाराज थे तो हमें सजा दे देते, हम कोई शिकायत नहीं करते, रोते भी नहीं। नहीं बेबी जी, मालिक साहब से नाराज नहीं थे, मालिक साहब को सच्चाई का पता चल गया, उसने तो आपको माफ भी कर दिया था। बस वो जिंदगी से नाराज हो गए। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? दादाजी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमारे सर से साया उठ गया। कितने प्यार से वो मुझे बहू बुलाते थे, क्यों चले गए दादाजी? बाबा जी हिम्मत रखिए, अब जो होना था वो तो हो गया ना, इस तरह से परेशान होने से क्या फायदा? इतनी प्लानिंग करी थी कि राणा जी को शादी ब्याह को महत्व समझाकर रघु और बेबी जी की शादी ना तोड़ने के लिए मनवा ले तो, पर अब कहाँ है? ए भगवान, आखिर थारी मारे से कहीं दुश्मनी है? छोड़े के अंडे देने वाली मुर्गी तो भेजी तूने मारे घर, पर अंडे दिए बिना ही वापस बुलाने की तैयारी भी कर ली तूने? अरे जिंदगी भर कंगाल का कंगाली रंगो काई में। मुझे कैसे बातें कर रहे हैं आप? ये किसी की जान चली गई और आपको पड़ी है बस, कुछ सुन लेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? अरे जिसको सोचना है सोचने दे, मारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़तो, नुकसान मारो हुए जमाने को कोणी मारो तो सपना चूर चूर हो गया है। जी और वो चंदन की लकड़ी और शुद्ध घी जी, बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी मैं उनसे मैं बात कर लेता हूं। रघु इन पेपर्स पर साइन कर दो तो हमारा भी काम खत्म हो जाएगा। अब दादाजी नहीं रहे तो ये लो। एक्सक्यूज मी, राणा साहब की बॉडी रिलीज करने के लिए किसी फैमिली मेंबर का साइन चाहिए। ठीक है जैस,
हाँ रघु तुम साइन करो। दीजिए कहाँ साइन करना? यहाँ पे। रघु तुम साइन करो। रघु क्या बकवास है ये? रघु क्यों साइन करेगा? एक नौकर हमारे घर का हिस्सा कब से हो गया? डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं कैसे? तुम इन लोगों के असली चेहरे से वाकिफ नहीं हो रघु। इन दोनों की घटिया हरकतों के कारण ही बलवंत को हार्ट अटैक आया। इन लोगों की वजह से आज बलवंत हमारे बीच में नहीं है रघु। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं मानता हूं कि मेरी और बेबी जी की शादी में शामिल होने की वजह से मालिक साहब से नाराज थे, लेकिन नहीं, इन दोनों ने अपने स्वार्थ के कारण शिवानी से तुम्हारी शादी कराई। जानबूझकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया और तुम्हें और शिवानी को अपने इशारों पर एक कठपुतली की तरह नचाया। और तो और रघु, ये लोग अभिमन्यु के साथ भी मिले हुए थे। शिवानी को लेकर किसी होटल में कुछ दिनों के लिए रुक जाना। हाँ मैं जसवंत भाई साहब और महिमा भाभी साहब के साथ ही हूँ। अब अपने होटल रिजॉर्ट वाली बात पक्की समझिए। हाँ रघु। माफ कीजिए मैडम साहब, लेकिन आप लोग अभिमन्यु के साथ हैं। अपने काम से काम रखो, जितना कहा गया उतना ही करो। ये क्या? जी 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 जी। तुम दोनों ने बेशर्मी और घटियापन की हदें पार कर दी। लानत है तुम पर। बकवास बंद कीजिए अपनी। ये प्रॉपर्टी मेरी और मेरी बहन की है, मैं उसे जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। आप होते कौन मुझे रोकने वाले? रघु ये लो साइन करो। रघु मैंने कहा साइन करो। तुम्हारे सिवा हम किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में जो तुमसे बेहतर हमारी शिवानी का ख्याल रख सके। मालिक साहब अपना सब कुछ बेबी जी के नाम करके गए। बेबी जी के साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। बेबी जी अकेली नहीं है, उनके साथ मैं हूं। रघु अपनी औकात में रहो। किसकी क्या औकात है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। हाँ एक बात और, बेबी जी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग के भाई और भाभी हैं। और तुम ये मत भूलना कि तुम राणा खानदान के नौकर थे
नौकर हो और हमेशा नौकर ही रहोगे। एक मिनट, एक बार बलवंत का दाह संस्कार पूरा हो जाए फिर तुम दोनों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है।